शिमला शहर में 3 दिन से जमकर बारिश हो रही है, जिससे शहर में जगह जगह पेड़ गिरने और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। शहर के लोअर कृष्णा नगर में पेड़ घरों के लिए खतरा बने हुए हैं। एक पेड़ को गिरा दिया गया है और अभी भी 3 पेड़ गिरने की कगार पर है, जो कभी भी गिर सकते हैं। इसके अलावा मलबा और पत्थर भी गिर रहे हैं। एक घर को खाली करवा दिया गया है और अन्य घरों को खतरा बना हुआ है। ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं और यहाँ बड़ा हादसा भी हो सकता है। रविवार को नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया और घरों को खाली करवाने के फरमान जारी किए गए। हालांकि लोग घर खाली नहीं कर रहे हैं और प्रशासन से जल्द इन पेड़ों को काटने की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि घरों के लिए पेड़ खतरा बने हुए हैं और मलबे के साथ पत्थर भी गिर रहे हैं, जिससे हर वक्त डर लगा रहता है। इसको लेकर जिला उपायुक्त को पत्र लिखा है और पेड़ों को काटने की गुहार लगाई है। नहीं, इसमें हमने लोगों को बता दिया, जो कभी एक धारा या जो लोग बता रहे कि हम यहाँ रहते हैं, हमने खाली कर दिया। रात को हम अपने रिलेटिव के वहाँ जाते हैं। बाकी जहाँ तक ऊपर पेड़ वही बात है, पेड़ जो फॉरेस्ट वालों ने फिलहाल काट दिया है। बाकी जो पत्थर वगैरह है उसके लिए अभी लेबर आ रही है, उसी की लेबर उनको इंटीमेट हमने कर दिया। GIS के उनकी लेबर आ रही है, वो इसको हटाने के। बाकी एक हम यहाँ फिलहाल प्रोटेक्शन के लिए एक तरपाल भी इशू कर रहे हैं। इसके साथ एक पेड़ साथ में ऊपर है जो कि खतरा बना हुआ है, इसको भी एक दो दिन में हम इसको रिमूव करने की वो कोशिश करेंगे। मतलब प्रशासन के साथ तो मिलकर उसको जो है रिमूव करवा देंगे। उनके लिए इनके पास ये बोलते हैं कि हमारे ऑलरेडी रिलेटिव है, अगर नहीं है तो हम इनको ठहरने का प्रावधान नहीं हम कर सकते हैं, अगर जैसे भी इनके सुविधा अनुसार ये जी चाहेंगे। मगर अब ये बताते हैं कि भी हमारे रिलेटिव रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनके पास रह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जो एक पेड़ परसों रात को 10:30 बजे गिर गया, जो इनके नीचे एक धारा है या दो धारे है, एक धारे में तो शायद कोई रह नहीं रहा, एक धारा है, इनसे हमने बात कर ली, इनके रिलेशन में यहाँ रहती है, ये उनके पास चले गए, हमने भेज दिया इनको वहाँ। अभी नायब साहब ने बोल भी दिया कि अगर इनका रहने का अरेंजमेंट नहीं है तो वो भी हम कर देंगे। बाकी जो पेड़ परसों गया था, मैंने कल ही इसको फॉरेस्ट वाले से ला के, RO साहब भी आए थे और खान मंगाए, उन्होंने उनको रिमूव करा दिया था, उसके तो कटवा दिया हमने। बाकी थोड़े बहुत पत्थर वगैरह है वो भी कल कर रहे थे, लेकिन इस दौरान बारिश आ गई, वो थोड़ा रुक गया। अभी हमने MC के लेबर के लोग बुलाए हुए हैं, उसको भी हम करवा देंगे। और जैसा ही नायब साहब ने बोला कि हमने इनसे एक तरपाल की रिक्वेस्ट की थी कि तरपाल भी प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको हम सिस्टमेटिकली इसमें डाल देंगे। और दूसरा पेड़, एक और पेड़ है, इसका भी बड़ा खतरनाक जोन में है, इसका भी हमारे बड़ा खतरा है। नायब साहब से बात हुई, नायब साहब बोल रहे कि मैंने इसकी फोटो खींच के SDM साहब को डाल दी है, इसका एक दो दिन में हम इसको भी रिमूव करा देंगे, क्योंकि इस पेड़ से बड़ा नुकसान हो रहा है। आपको फोन किया था तो वो आए थे, तो उन्होंने यहाँ के जो गार्ड है उनको भी कॉल की, वो भी यहाँ पे आए थे। फिर उन लोगों ने खानों को बुलाया था और उन्होंने पेड़ काटा है थोड़ा, लेकिन बारिश के चलते वो ज़्यादा काट नहीं पाए। और उन्होंने लेबर के लोगों को भी बुलाया था जो कि पत्थर उठाते हैं यहाँ से, लेकिन बारिश के चलते वो भी पत्थर नहीं उठा पाए हैं। अब हमने उनसे मांग की है कि एक पेड़ और है यहाँ पे जो गिरने वाला है। अब उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन लिखो और उच्च अधिकारियों से मिलो, फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। अभी भी खतरा ऊपर खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा है। कल भी रात को बहुत बड़ी रात को खतरा है, रह नहीं सकते हैं हम यहाँ, पत्थर देखो इतनी बड़ी बड़ी चट्टान आ रही है, बच्चों के साथ कैसे रहना बहुत मुश्किल हो गया। कल रात को भी 10:30 बजे पेड़ गिरा है और उसके साथ बहुत सारी चट्टानें भी आई हैं, जो कि लोगों के घरों में, क्या हमारे अपने घर में जाने वाली थी, बट वो थोड़ा मतलब घास वगैरह में फंस गई है, वरना हमारे घर को बहुत ज्यादा नुकसान है। हम तो रात को भी नहीं घरों में रह सकते, दिन को भी नहीं रह सकते, हमारे तो इतना डर हो गया कि हम जाए तो जाए कहाँ। इन चट्टानों से बहुत खतरा है। कल रात को भी एक पेड़ गिरा था यहाँ पे, उसकी वजह से एक अंकल है यहीं पे रहते हैं सामने घर के, उन पर भी पत्थर गिरते गिरते वैसे है, और ये पत्थर सीधा नीचे आएंगे तो बहुत नुकसान करेंगे। पत्थर तो है ही साथ में, पर पेड़ भी है कुछ साथ साथ, इसके साथ जो बाकी पेड़ थे उनको भी बहुत धक्का लगा है, इसकी वजह से वो भी गिर सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि वो कुछ करें। आए तो थे कुछ लोग देखने, पर उन्होंने कुछ गौर नहीं किया इन चीज़ों पर।